सो गाइस यहाँ पर आज हम फिर से कुछ और खुलासे करने वाले। हाथ कर लिया हमने सैनिटाइज। यहाँ पर हम कुछ सत्य तथ्यों को लेकर आए हैं आपके सामने एंड यहाँ पर आपको बताएंगे कि कितना सिक्योर है आपका MIUI। कोई सा भी वर्जन है MIUI की जो रोम आती है, आप जानना चाहते हैं कि वो कितना सिक्योर है, क्या आपका कोई डेटा चोरी हो रहा है या नहीं हो रहा है, इन सभी के बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। एंड यहाँ पर कुछ आश्चर्यजनक, बहुत ही ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य होगा ये सब चीज़ जान के, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। एंड पिछले वीडियो में काफ़ी ज़्यादा आप सभी ने प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो वेरी मच। एंड इस वीडियो में भी ऐसे ही प्यार दीजिए। यहाँ पर हम टारगेट करते हैं 550 लाइक का, सो आई होप सो कि आप लोग कर देंगे। सो गाइस दिस इज VJ एंड बिना कोई टाइम इसकी चलिए पाप मिटा। सो गाइस यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि जो MIUI की रोम है उसको आप सिक्योरिटी के बेसिस पे कितने पॉइंट्स देना चाहेंगे आउट ऑफ 10, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। पिछली वीडियो मैंने पूछा था परफॉर्मेंस के लिए कितने मार्क्स देंगे एंड इन एवरेज अगर मैं टोटल सबका कैलकुलेट करूँ रफ आइडिया, तो यहाँ पर 2, 3 या 4 इनके बीच में ही है जो टोटल एवरेज मिला आउट ऑफ 10 इन परफॉर्मेंस का केस। सो आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर यूज़र है जिनको शिकायत है कि यहाँ पर MIUI जो रोम है वो दिन प्रतिदिन डिग्रेड होती जा रही है, परफॉर्मेंस की दिक्कत सभी को देखने को मिल रही है। यहाँ पर नॉट ओनली मी, सभी को यहाँ पर वो प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। आई होप सो कि ये आने वाले टाइम में कुछ ऐसे अपडेट्स दें कि जो बिल्कुल बग फ्री हो। आई डोंट नो कि ये लोग ऐसा कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, फिलहाल अभी हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अभी हम बात करते हैं सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में। सो जैसे कि आप सब जानते हैं आज के टाइम में यहाँ पर हमारा जो डेटा है जो हमारे फ़ोन में होता है, चाहे हम वो मैसेज भेज रहे हो, SMS हो या यहाँ पर कॉल हो या हम कुछ भी यहाँ पर ब्राउज कर रहे हो, वो सारा जो डेटा है वो हमारे फ़ोन में कहीं ना कहीं स्टोर होता है एज अ कैशे या एज अ कुकीज़ या कुछ भी जैसे भी स्टोर होता है। तो यहाँ पर वो डेटा कितना सेफ़ है यहाँ पर MIUI 12 में। सो यहाँ पर जैसे कि आप सब जानते हैं अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने यहाँ पर 59 ऐप्स इंक्लूडिंग TikTok सभी को बैन किया। उसमें बहुत सारे चाइनीज़ ऐप थे जैसे कि क्लीन मास्टर हो गया, CM ब्राउज़र हो गया एंड ये सारे जो दोनों ऐप हैं ये आते हैं चीता मोबाइल कंपनी की तरफ से। सो यहाँ पर चीता मोबाइल कंपनी का बहुत पहले एक लोगों ने उस पर क्लेम किया था कि ये लोग जो है हमारा डेटा चुरा रहे हैं। सो डेटा चुराना कैसा होता है? डेटा चुराना एज इन जो आपने ब्राउज़ किया है आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को वो ले रहे हैं, मतलब वो आपके ब्राउज़र की हिस्ट्री को अपने पास स्टोर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जब ये सारे केसेस इन पे पड़े चीता मोबाइल वालों पे, तो इन्होंने एक चीज़ स्टेटमेंट दी कि हम लोग आपका डेटा इसलिए लेते हैं, मतलब जो भी आप ब्राउज़ कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो सब हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि आपको एक सेफ़ जो भी आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं वो सेफ़ है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम उसको चोरी कर रहे हैं, बोल सकते हैं चोरी कर रहे हैं, उसको इसलिए चोरी करते हैं ताकि आपके लिए वो सेफ़ रहे। सो पहली बात तो यहाँ पर है प्राइवेसी का, यहाँ पर उल्लंघन सीधे सीधे हो जाता है, आप किसी का डेटा कुछ भी स्टोर नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पर जो है आपका डेटा, चाहे आपने कुछ भी किया हो, मतलब आपने अगर फ़ोन में आपने नेट बैंकिंग ओपन किया हो, क्या पता वहाँ पर नेट बैंकिंग का आपका ID पासवर्ड भी स्टोर किया जा रहा हो, क्या पता, कुछ नहीं पता है। ऐसे ऐप्स होते हैं कुछ जो आपका सारा डेटा जो है चुरा लेते हैं एंड उसके बाद बहुत सारे लोगों को शिकायत आती है कि हमारा ये चीज़ वर्क नहीं कर रहा, हमारा ईमेल हैक हो गया है या हमारा किसी में हमने अकाउंट बनाया था वो हैक हो गया है। सो ये सब चीज़ें यहीं पे जो है हाईलाइट में आती है जब आपका डेटा चोरी होता है। सो आपका डेटा जो है, आप फ़ोन में जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस थिंग है वो होता है डेटा। फ़ोन क्या है, गुम हो गया दोबारा हम नया ले सकते हैं, बट डेटा जो है आपकी प्राइवेट फ़ोटोज़ होती हैं, आपके कुछ प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मैसेजेस होते हैं, बैंकिंग के मैसेजेस होते हैं या कुछ और आपके पर्सनल चीज़ें होती हैं जो आप फ़ोन में स्टोर करते हैं, वो सारी चीज़ें अगर यहाँ पर चोरी हो रही हैं तो ये तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत की बात है। सो यहाँ पर अभी हमने क्या, हमारे फ़ोन में जो है, कोई सा भी फ़ोन ले लीजिए, अभी जो है मेरे पास K20 Pro है, इसमें मैंने लेटेस्ट MIUI 12 का अपडेट किया है। जैसे कि आप सब जानते हैं क्लीन मास्टर जो है यहाँ पर बैन हो चुका है, बट स्टिल MIUI 12 में जो है आप जब भी यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर आप MIUI 11 में हैं तो भी आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्लीनर का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। क्लीनर में आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी आपकी कैशे फाइल, ऑब्सोलीट फाइल,
पैकेज, मतलब कि ये सारा फालतू डेटा आपका क्लीन करता है, थोड़ा बहुत आपका जो है स्टोरेज फ्री करके दे देता है। सो यहाँ पर कैशे वगैरह को डिलीट करता है। बट आप यहाँ पर सेटिंग्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर डेफिनेशंस में आपको क्या देखने को मिलता है, क्लीन मास्टर। ये वही क्लीन मास्टर है जिसको इंडियन गवर्नमेंट ने बैन किया है। बैन इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो है प्राइवेसी का खतरा इंडियन गवर्नमेंट को महसूस हुआ कि ये चीज़ जो है हमारा जो है डेटा चोरी हो रहा है यहाँ से, तो इस चीज़ को बैन किया है। बट यहाँ पर MIUI के अपडेट में आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है डेफिनेशन में यहाँ पर क्लीन मास्टर का जो है कुछ फाइल्स यहाँ पर डेफिनेटली होंगी जो कि यहाँ पर इस एल्गोरिथम को, मतलब क्लीन जैसे ही करता है ये उस एल्गोरिथम में यूज़ हो रही हैं। सो यहाँ पर क्लीन मास्टर साफ साफ यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं MIUI रोम में। एंड उसके बाद यहाँ पर हम इसे डिसेबल भी नहीं कर सकते, हमारे पास यहाँ पर दूसरा डेफिनेशन भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्लीन मास्टर है। जो गवर्नमेंट ने बैन किया कुछ सोच समझ के किया होगा, इतनी बड़ी कंपनी को डायरेक्टली बैन कर देना प्ले स्टोर से, इट्स नॉट अ ईजी थिंग। कुछ ना कुछ यहाँ पर प्राइवेसी के साथ छेड़छाड़ हुई है, तभी जो है यहाँ पर प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए बैन की गई हैं ये सारे ऐप्स। सो यहाँ पर पहली चीज़ ये थी। सो यहाँ पर क्या डेटा पीछे बैकग्राउंड में ये लोग स्टोर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। ओके, यहाँ पर ये चीज़ थी फर्स्ट चीज़। सेकंड चीज़ आती यहाँ पर, जैसे ही आप यहाँ पर देखेंगे सिक्योरिटी ऐप को ओपन करते हैं, स्टार्टिंग में एक परमिशन मांगता है, सिर्फ और सिर्फ एक परमिशन मांगता है कि आई एक्सेप्ट, कुछ ऐसा लिखा होता है। आपने देखा होगा जब भी आपने सिक्योरिटी ऐप नया रोम इंस्टॉल किया होगा, उसके बाद सिक्योरिटी ऐप एक परमिशन मांगता है कि हम ऐसे ऐसे आपका फ़ोन का यूज़ करेंगे। अगर आप एक परमिशन अलाउ करेंगे तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि हमने एक ही परमिशन अलाउ की है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी के आप यहाँ पर इन्फो में जाएंगे एंड यहाँ पर आने के बाद ऐप परमिशन में आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ अलाउड है सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर कैलेंडर अलाउड है, कॉल लॉग अलाउड है, कॉन्टैक्ट्स, लोकेशन, माइक्रोफोन, फिजिकल एक्टिविटी, SMS, स्टोरेज, टेलीफोन एंड एडिशनल परमिशन में एक्सेस BLE सेटिंग्स, ये ब्लूटूथ से रिलेटेड सेटिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अलाउ है। सिंगल परमिशन को अलाउ करने से ये सारी चीज़ें। सो यहाँ पर सिक्योरिटी ऐप में आपके कॉल लॉक्स की क्या ज़रूरत है, इनको आपके कॉन्टैक्ट्स की क्या ज़रूरत है, इनको आपके माइक्रोफोन की क्या ज़रूरत है, लोकेशन की क्या ज़रूरत है, फिजिकल एक्टिविटी की क्या ज़रूरत है, चलो फिजिकल एक्टिविटी छोड़ो, SMS की क्या ज़रूरत है, टेलीफोन की क्या ज़रूरत है और स्टोरेज की क्या ज़रूरत है। स्टोरेज की ज़रूरत हो सकती है यहाँ पर जो आपका ये डेटा क्लीन करता है जैसे क्लीन मास्टर, बट ये सारे जो फालतू परमिशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या यहाँ पर आपका डेटा जो है स्टोर हो रहा है कहीं? क्या आपका डेटा यहाँ पर कहीं पर चुराया जा रहा है? हो सकता है, हम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि एक और चीज़ यहाँ पर मुद्दे में आती है कि आप इनमें से किसी भी जो परमिशन है उसको डिनाई नहीं कर सकते, मतलब अलाउ है तो वो अलाउ ही रहेगी। सो यहाँ पर हमने उसके लिए यहाँ पर ये चीज़ें चेक की जाके कि हम इसे डिसेबल कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हम गए प्राइवेसी प्रोटेक्शन में। एंड यहाँ पर प्राइवेसी प्रोटेक्शन में आपके सामने आता है ऑल परमिशंस का ऑप्शन। यहाँ पर ऑल परमिशंस का ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं टेलीफोन, टेलीफोन में यहाँ पर एक परमिशन अलाउ थी सिक्योरिटी में, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी अभी फ़िलहाल नहीं दिखाई देगा। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करके सो सिस्टम करेंगे तो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी वाला जो है आपके सामने आ जाएगा। सो यहाँ पर सिक्योरिटी वाले में हम कर लेते हैं क्लिक। सिक्योरिटी वाले में क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इसे डिनाई नहीं कर सकते हैं। सो ये ऑटोमेटिकली पहले से ही ऑन है, हमने एक परमिशन अलाउ की थी और इसने सारी परमिशन इस ऐप को दे दी। सो गाइस आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये सारी परमिशन हमें अगर डिनाई भी करनी हो, अगर हमें पता है कि यहाँ पर चोरी हो रहा है, हमें उसे डिनाई भी करना हो तो भी हम नहीं कर सकते हैं। एंड यहाँ पर एक और बात ये है कि आप इस ऐप को जो है अनइंस्टॉल भी नहीं कर सकते। आप इसकी सेटिंग्स में जाएंगे एंड यहाँ पर अबाउट में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर स्टॉप और क्लियर डेटा का ऑप्शन है, डिसेबल का भी यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप इसको डिसेबल भी नहीं कर सकते हैं, ना ही यहाँ पर इसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। सो अगर आपको पता है कि आपका डेटा चोरी हो रहा है तो आप उसे चोरी होने दे सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर डिसेबल भी नहीं कर सकते, फोर स्टॉप कर सकते हैं, बट ये ऑटोमेटिकली दोबारा थोड़ी देर बाद ये खुद ही ऑन हो जाता है, मैंने करके देखा है। तो गाइस यहाँ पर बात आती है सिक्योरिटी की। तो ये जो MIUI की रोम है इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स दे देंगे, नोटिफिकेशन पैनल दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, बताएंगे कि हमारी रोम ये है वो है, एंड यहाँ पर दिखाएंगे कि हमारा जो है प्राइवेसी सबसे ज़्यादा तेज है। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर प्राइवेसी का इन लोग का कुछ भी जवाब नहीं है। सो यहाँ पर जो है ये दो चीज़ें मैंने देखी एंड सोची कि यार यहाँ पर क्या भरोसा है कि ये चाइना वाले जो हैं हमारा डेटा चोरी नहीं कर रहे हैं। जो लोग इतने वो हैं कि मतलब जो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिनके
कंट्री से जो है कोरोना वायरस निकला वहाँ पर 83,000-84,000 ही केसेज है। जो लोग वो प्रॉपर फिगर्स ही नहीं बताने कि कितने उनके कंट्री में, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। जो भरोसे के लायक लोग नहीं हैं वो कुछ भी कर सकते हैं। आपका डेटा चोरी हो या कुछ भी हो, परफॉर्मेंस डिग्रेड करना, ये सारी चीज़ें ये कर सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ पर टाइम आ चुका है हमको यहाँ पर थोड़ा एक बोलते हैं कि जैसे रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना पड़ेगा। आपको ये सारी चीज़ें मैंने इसलिए बताई क्योंकि ये सारी चीज़ें जानना ज़रूरी है। सो यहाँ पर हमारी प्राइवेसी को खतरा है। अगर आने वाले टाइम में कुछ अपडेट के साथ ये सारी चीज़ें सुधार देते हैं लोग तो वेल एंड गुड है। तब हमें जो है थोड़ा बहुत ट्रस्ट दोबारा से इनकी रोम पे होने लगेगा, बिकॉज़ यहाँ पर कुछ चीज़ें डायरेक्टली बैन की है गवर्नमेंट ने, वही चीज़ें हमें रोम में देखने को मिल रही है। सो इस चीज़ के बारे में इनको सोचना पड़ेगा। तो गाइस आप लोग को कितना मानना है कि जो मैंने बात कही है वो सही है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आपको हेल्पफुल लगी हो, आपको कुछ चीज़ें जानकर आश्चर्य हुआ होगा। सो गाइज़ अगर आप ऐसे ही सीधी बातें हमसे सुनना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बिकॉज हम ऐसी वीडियो लेके आते रहेंगे। हम यहाँ पर जो है बिल्कुल छानबीन करते रहते हैं, जहाँ पर भी हमें लगे डाउट हम लेके वीडियो आते रहेंगे। सो इस वीडियो गेम भी यहीं पे एंड करेंगे, मिलते हैं ऐसे किसी न्यू इंटरेस्टिंग थॉट्स वीडियो साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड स्टे सेफ। सो गाइज़ यहाँ पर आज का विचार है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र क्या है, ज़रूरी ये है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। ध्यान से सुनना एक बार फिर से और अमल करना।